24 से हैं और इनकी कल वहाँ पंचायत भी हुई थी, ये बताएंगे कि क्या आज के फैसले रहे हैं लोचो साहब। हमारी पंचायत में आज फैसला दिया गया, सभी खापों के रोज आदमी आ गया और 15 दिन तक ही लगता है आम करेंगे। 15 दिन में अगर सरकार नहीं मानी तो 21 तारीख को मैं फिर कमेटी की मीटिंग होगी, तो कमेटी की मीटिंग लेकर आपके फैसले, फिर उसका आगे फैसले लिए जाएंगे। हमारा ये फैसला हो गया। सिरसा साहब आप ये लो, सभी प्रेस वालों का धन्यवाद। और मैं प्रेस से निवेदन करता हूं कि आज की जो हमारे अलग अलग प्रदेशों की और खाप पंचायतों की और SKM गैर राजनीतिक और SKM दूसरे की सभी की मीटिंग जो हुई है, उस मीटिंग में जो प्रधान जी थे आज के, उन्होंने ये फैसला सुना दिया है कि अगर फैसला नहीं होता तो 21 तारीख को हम आगे मीटिंग करेंगे। और इसके अलावा ये भी फैसला हुआ है कि जो पवन वालों ने संघर्ष शुरू किया है, ये इसी तरह संघर्ष पहलवान चलाएंगे और हम सब लोग इनको सपोर्ट करेंगे, चाहे खाप पंचायत है, चाहे किसान संगठन है, जितने भी लोग हैं हम इनको सहयोग देंगे और सरकार को ये मजबूत कर देंगे कि उस दुष्ट मंत्री का इस्तीफा लेकर उसको थाने में जेल में बंद किया जाए, ताकि इन जो हमारी लड़कियों की इज्जत के ऊपर जो हाथ डाला उस दुष्कर्मी को जो है जेल में बंद करके अदालत द्वारा सजा दिलाई जाए। और जो उनके परिवार के जो मेंबर जो है अभी भी उनको हटाया जाए, ये आज का जो फैसला हुआ है। और इसके अलावा जो 21 तारीख तक जो सरकार ये काम हमारे से उछलते उन्होंने रखी है, जो ये मांग है ये पूरी नहीं होती तो 21 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके में उस मीटिंग में कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। आज यहाँ पे खाप पंचायत और SKM के भी हमारे लोग यहाँ पे थे, डॉक्टर दर्शन पाल जी थे, मित्तल साहब के थे, सिरसा जी थे, युद्धवीर सिंह जी यहाँ पे थे और खाप पंचायतों के प्रतिनिधि यहाँ पे थे। और ये फैसला हुआ कि हर खाप से हर रोज यहाँ पे लोग आएंगे, दिन में आएंगे, रात को वापसी चल जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे लोग आएंगे और जिन लोगों को रात को यहाँ रहना है वो रह सकता है। और हमने ये भी कहा कि जो कमेटी, जो हमारे पहलवान है, इनकी जो कमेटी है वो ही यहाँ के धरने की देखरेख करेगी, इन्हीं के उसमें ये आंदोलन चलेगा, हम पूरा इनको बाहर से सपोर्ट करेंगे। 21 तारीख की मीटिंग रखी फिर दोबारा, 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती, तो 21 तारीख के बाद में फिर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। ये फैसला हुआ है। प्रेस से भी हमारा है कि आप जिस हिसाब से 15 दिन से इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, आपका भी धन्यवाद है, आप इस आंदोलन को ऐसे ही दिखाते रहे तो हमारे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ये हार और जीत जिस तरह का मामला चला है, ये देश की बदनामी हुई है, जो तिरंगे की बदनामी हुई है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये बच्चे अब हमारी धरोहर है, ये देश की धरोहर है, ये तिरंगे की धरोहर है, इनको हम हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद। और शाम को 7 बजे जो लोग यहाँ पर धरने पर रहेंगे, कैंडल मार्च यहाँ पर होगा, पूरे देश में इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, कॉल यहाँ से दी है, तो जिन जिन लोगों को भी पता चले शाम को 7 बजे अब अपने शहर में गांव में यहाँ पर लोग कैंडल मार्च जरूर निकाल लें। कोई क्वेश्चन? एक जना पूछो भाई जी। बात कर रही है
नहीं नहीं ये तो एजेंसियां हैं हमारी गवर्नमेंट की, सब एजेंसियां यहाँ पे है। हम सांस निकालते हैं तो उनको पता है कि इनकी हार्ट बीट कितनी है, बेहतर सांस लेते हैं या 82 लेते हैं, सब पता है उनको। लिखित में किसके देखो जाता तो यहाँ है नी है नी। हाँ भाई टाइम तो देना ही पड़े बे, आगे का फिर हम फैसला लेंगे, नहीं कुछ लगता फिर बढ़ा देंगे इसको आगे क्या वो करेंगे। अभी तो 21 दिन का ये है, 21 तारीख तक का, कि हर रोज हर खाप से लोग आएंगे, उनके यहाँ रजिस्टर मेंटेन है कौन कौन लोग आ रहे। ये कमेटी यहाँ पे ठीक चल रही, शांतिपूर्ण तरीके से चलाए, और आपातकालीन में अगर इनके साथ में कोई दिक्कत होती है तो फिर 24 घंटे पूरा देश पूरा समाज इनके लिए खड़ा हुआ है। हाँ और कहाँ रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सुबह जाकर प्रैक्टिस करेंगे फिर यही आ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। ये जब हाथ में ठालिया जनरल क्या 10 क्या 15 से पार करके ही चलेंगे। आप सरकार ने तो भेज सर्टिफिकेट हमको 13 महीने का देकर भेज रखा, 13 महीने का दे रखा, तो हम इतने वो हैं कि सरकार अभी सुनने की नहीं, अभी ये लंबा चलेगा। उसके लिए सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, ये पूरे देश में चलेगा, धीरे धीरे अलग अलग जिलों में चलेगा, आने वाले टाइम पे ये बढ़ेगा। इस मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि रोक रोक के पहले भी देख लिया, आपने देखा था कि किसानों को रोकते रहे, सड़कों में खाई बिल्कुल खोते रहे, लेकिन वो आंदोलन अकेल करते रहे, लेकिन उस आंदोलन पर फर्क पड़ा, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करता हूं कि ये हमारी परीक्षा ना लें, हम परीक्षा पहले ले चुके हैं वो, और हम उस परीक्षा में पास हुए, सरकार फेल हुई है, और अब भी ये जो बच्चे हैं ये लड़कियां हरियाणा की नहीं है, ये लड़कियां जितने लोग हम बैठे हैं ये हमारे देश की बच्चियां हैं, ये हमारी बेटियां हैं, और हम अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कल गैर राजनीतिक जो हमारा संगठन है सरदार जगदीश सिंह धन्यवाद, तो हमारी सभी तरफ से कोई 5,000 के करीब हमारे जो वर्कर हैं कल वो यहां दिल्ली पर पहुंच रहे हैं और जंतर मंतर पर आएंगे, इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। थैली मत पिटो ना, ये कोई आपकी मीटिंग नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थैली मत पिटो। उसमें जो क्वेश्चन है ये प्रेस वाले कोई होगा क्वेश्चन ये कर लेंगे, आपको बीच में नहीं बोलना। अरे पुलिस ने परमिशन यहां की दे रखी क्या, यहां की दे रखी परमिशन दे के कोई पंचायत भेज रहे। विकास साहब जैसा 2024 का चुनाव आ रहा है तो क्या चुनाव, यहाँ भी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ये संगठन है, यहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हमारे समर्थन में हैं। ये बेटियों का मामला है, इसमें पॉलिटिक्स न करें, यहाँ पे उनके पार्टी के लोग भी हमारे समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हम साथ में हैं, हम पार्टी में उसमें हैं, वोट भी हम वही देंगे, लेकिन इस आंदोलन में हम आपके साथ में हैं, क्या जरूरत है वो हमको बताओ। तो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं, 11 से 18 मई के बीच में पुतला दहन का क्या कुछ कार्यक्रम, हाँ कर लेंगे पुतला दहन में क्या को वो करना, कर लेंगे वो प्रोग्राम भी है, आंदोलन का है जिला मुख्यालय पे, 11 तारीख से 18 तारीख तक वो भी चलेगा, जिसका जो मन करा को कर लगा, पुतला क्या को जिंदे को पो कर दे तो ठोस लगा के किसी का इनाम लिख दो, सिंबॉलिक होते हैं ये तो भाई, नाराजगी जिससे होती है वो देख लगे उसे तो क्या क्या करेगा। यहाँ तो जुड़े हुए हैं, अभी तो यही रखेंगे, अभी स्थान जो होगा वो आंदोलन का स्थल अभी यही रहेगा, ये बैरिकेटिंग के अंदर ये चलता रहेगा क्योंकि लंबा चलेगा।
और तो लंबा चलने की उसकी रणनीति भी है भाई, आदमी रोज आएंगे जाएंगे, इनके सिर में दर्द रहेगा तो क्योंकि रोज दवाई खाओगे तो आराम तो जब ही मिलेगा ना, रोज बोर्ड से लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। नहीं नहीं कोई नहीं, हम किसी के घर पर नहीं जाते, ये यही स्थल है जो धरना स्थल है यही है, न्यूसेंस हम किसी के उस पर नहीं करते, किसी के घर पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ रात को नहीं रुकेंगे, वे चले जाएंगे, ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, यहाँ पे शब्बेन जो लोग हैं जो रात को रह सकते हैं कम लोग, और इनकी जो टीम है वो यहाँ पर रहेगी, ज्यादा लोग नहीं है जी। अरे जब कोई हाँ वगैरह जब देखेंगे अब पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम लेकर आओ तुम, हाँ कर रहे उनका भी कर रहे, हाँ वो भी बेटियां ही है, किसी के साथ में गलत हुआ है तो हम उनके भी साथ में। कहा यहाँ तो कोई पॉलिटिकल वादी, अच्छा ये बताओ कोई आदमी यहाँ जाएगा जो वोट ना देता हो, एक आदमी आठ जो वोट ना देता हो, अरे क्वेश्चन सुन रहे हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी है अजय एक नहीं करने का, और क्या है सवाल? ठीक है साहब, लंबे धरने की बातचीत कर रहे हो और पहलवानों की जो प्रैक्टिस है, नहीं हमने कोई हाईजैक नहीं करा, ये सब मूवमेंट ही नहीं का ही है, और यहाँ पे जो भी आएगा उसका समर्थन है, और आदमी जिसको दुख दर्द होता है वो आता है, अगर पार्लियामेंट में तो एक जगह गोलगप्पे खाएंगे बैठ के, और यहाँ पे ऐतराज है, ये वहां पे बैन लगाए कि कोई भी सत्तारूढ़ से अलग कोई आदमी वहां पे नहीं जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे भी सोच लेंगे। अभी नहीं, अभी तो यहाँ आएगा जो भी आएगा, दिन में आएगा रात को चला जाएगा। टेंट लगने कम थे क्या बोल रहे हो भाई? 13 महीने आप लोगों ने सबने टेंट ही तो देखे, सरकार उन चीजों को ना बोल रहे कि हम वही हैं, हो जाएगी सुनवाई होगी, हो जाएगी जैसे टाइम आएगा तो सुनवाई होगी होगी। लो बेटे मैं बोल लूँ, उसके बाद में आप लोगों का। हाँ जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानीय लोग यहाँ पे आए हैं हमारा समर्थन करने के लिए, हमें ताकत देने के लिए इस न्याय की लड़ाई में, जो आज फैसला लिया गया है वो तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बता ही दिया है कि 21 तारीख तक का टाइम दिया है, अगर उसमें हमारी सुनवाई हो जाती है जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं होता तो 21 तारीख के बाद कोई बड़ी को ली जा सकती है हमारी तरफ से, ये सब लोग हमारे सपोर्ट में हैं, जो भी फैसला जो भी होगा वो हम खिलाड़ियों का, जो हमारे कोचिज हैं, जो हमारे गुरु खलीफा हैं, उनका फैसला होगा, तो हाईजैक किसी ने नहीं किया है, ये सिर्फ एक अन्याय की लड़ाई है, हर देश की बेटी की लड़ाई है, ये हर कोई महिला इससे कनेक्ट कर सकती है जिस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सो जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा सुबह से आ रहे हैं, गर्मी हो रही है लेकिन हमारे सपोर्ट में है, हमारी भावनाओं की कदर करते हैं, हमारे मान सम्मान की उनको फिकर है, तो पूरे देशवासियों का धन्यवाद है कि आपने हमें कमजोर नहीं पड़ने दिया, आप मजबूती के साथ हमारे खड़े हो, आपकी बेटियों का आप हौसला बढ़ा रहे हो, आप जो हमें ताकत दे रहे हो, तो इस लड़ाई में हमें एक मजबूती मिल रही है, लड़ाई कितनी भी लंबी हो हम लड़ने को तैयार हैं। आप और बजरंग और साक्षी हो जो एक्टिवली रेस्टलर्स हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आप कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, आपने मेंटल बना लिया। कम्पीट हम करेंगे क्यों नहीं करेंगे, लेकिन धरने पर हम बैठ के जितना हम ट्रेनिंग कर सकते हैं
परमात्मा ने चाहे तो हमें जो भी मौका मिलेगा हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और गेम हमने छोड़ा नहीं है भाई, हम कर रहे हैं। हमें जितना भी टाइम मिल रहा है हम ट्रेनिंग का टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी प्लान करके ट्रेनिंग का उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। एक भी दिन अभी हमारी ट्रेनिंग मिस ना हो उसका हम अभी प्लान करेंगे आज से ही और बिल्कुल हम कॉम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन में हम जाएंगे। FIR तो हो गई है जी, लेकिन अभी 164 के बयान भी नहीं हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि बस भूषण की गिरफ्तारी हो, उसके बाद में ही इंटरोगेशन स्टार्ट, जो भी जाए उसके बाद में हो, लेकिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो, यही हमारी डिमांड है। ठीक है, थैंक यू जी।